सो ये हमारी वैल्यूज हैं, हमने प्लस माइनस करके देख लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे नंबर्स जो हैं वो क्लॉक में सही से डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, अगर नहीं हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली हमें अगेन नंबर्स को आगे पीछे करके ऐड करके देखना पड़ेगा या माइनस करके। अब ये देखिए आप आउटपुट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 तो सही आ रहे हैं, बट 4, 5, 6, 7, 8 से पहले पहले तक नंबर्स जो हैं बाउंड्री पे आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें थोड़ा सा इनको चेंज करना पड़ेगा। तो हम चेंज करते हैं वैल्यूज, यहाँ पे हम 95 की जगह 90 कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ -165 के साथ -5 कर देते हैं, और तो ये हमारे पास हो जाएगा -170। ठीक है, इसी तरह ये वाला हम चेंज करते हैं, -5 -5 दोनों में कर देंगे तो ये हमारे पास 160 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये आप वैल्यूज खुद से देके चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से करना है। इसमें हम -5 करेंगे तो ये 85 हो जाएगा, और यहाँ से हम कर देते हैं 0 की जगह -7। ठीक है, इसी तरह 4 के लिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं -7। -7 करेंगे तो ये हो जाएगा 158, और इसी तरह 4 के लिए यहां से भी -7 करेंगे तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, देन 5 के लिए हम चेंज करके देखते हैं, -5 और 10 कर लेते हैं, यहाँ से ये 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 55। सो ये हमारी वैल्यूज हो गई हैं चेंज करने के बाद, माइनस प्लस इसमें मैंने किया है। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं कि अब हमारे पास क्लॉक कैसी आ रही है। सो ये आउटपुट आ रही है हमारे पास क्लॉक की। अब हमने ये करना है कि हमने हैंड्स जो क्लॉक के होते हैं वो ड्रॉ करने हैं। एक और का हो जाएगा, मिनट्स वाला हो जाएगा और सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आवर्स वाले पे काम करते हैं। उसके लिए हमें दो एरेस चाहिए होंगी, जो कि एक हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट को स्टोर करेगी और दूसरी हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट को स्टोर करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो एरेस डिक्लेयर करती हूँ, एक का नाम रखती हूँ मैं कोऑर्डिनेट ऑफ और, ठीक है, और एक्स है ये, और इसका साइज हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे इसका साइज 12, क्योंकि हमारे पास ऑर्स कितने होते हैं, 12 ऑर्स होते हैं, इज इक्वल टू, और इसमें हमने वैल्यूज स्टोर करवा देनी है, इनिशियलाइज करवा देनी है। कैसे वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी है मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से हमारे पास एक और एरे हो जाएगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ और वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वाई के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसका साइज भी हमने क्या रखना है, 12, क्योंकि हमारे पास टोटल 12 ही जो है कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिनकी जिसकी एक्स भी वैल्यू होगी और वाई वैल्यू भी होती है। ये हमें पता है कि एक लोकेशन के हमारे पास एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम किस तरह से इसको इनिशियलाइज करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लॉक को ड्रॉ करती हूँ, क्लॉक ड्रॉ कर ली और इसके बाद हमें पता है कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। हमारे पास ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और ये जो एंगल होता है ये हमारे पास 90 का एंगल होता है। ओके, और अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास कितने एंगल्स में डिवाइड हो जाता है, जो मेन मेन एंगल्स होते हैं, ये 60 का हो गया, ये 45 का हो गया, ये हमारे पास 30 का हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ 30 के एंगल की और यहाँ पे मेरी जो नीडल है उसने आना है, क्लॉक की नीडल ने, तो इसका जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या बन रहा होगा, यहाँ तक एंगल इसका बन रहा होगा, यहाँ तक हमारे पास बन रहा है 45। ठीक है, तो प्लस अगर इसमें हम कर देते हैं 30, तो ये हमारे पास कितने का एंगल बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 75 का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ तक फाइंड आउट करना है, कोई भी आपको याद होगा मैथ्स का रूल था हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम था, कि एक एंगल पता हो और आपको एक साइड पता हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैंने लेंथ रख दी है 100, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से इसको बना देते हैं क्या अपनी रेक्टेंगल, तो हम इन दोनों साइड्स की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो भी एंगल होगा, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे अगर ये 75 है और अगर मैं इसको 60 तक भी ले लेती हूँ, पहला मैंने ले लिया 60 तक, तो 60 एंगल होगा, 100 इसकी साइड होगी, इसी तरह पे मेरे जो यहाँ की लेंथ होगी इस वाली साइड की और इस वाली साइड की, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैंने 100 किया और 60 का एंगल लिया, तो मेरे पास जो साइड्स आ रही हैं वो एक हमारे पास वर्टिकल साइड 87 वैल्यू आती है, ठीक है,
ऑनलाइन ये कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसमें इजीली वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो बेस की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 50। दैट मीन्स के हमारे पास इस तरह से ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये 87, ये 50, और ये हमारे पास 100 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये पार्ट जो है ये हमारे पास सर्कल का पार्ट है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास मेन जो सर्कल का पॉइंट है, मिड पॉइंट इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसको कंसिडर कर लें कि हमारे पास मिड पॉइंट है। तो दैट मीन्स कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मेरे पास कौन से हो गए, जो 50 एक्स की वैल्यू है और 87 वाई की वैल्यू है, ठीक है। एक्स हमारे पास इस साइड पे पॉजिटिव होता है, तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 50। और वाई हमारे पास ऊपर की साइड पे जाते हुए डिक्रीमेंट हो रहा होता है, तो दैट मीन्स कि जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -87। ऐसे ही है। तो जब मैं अपनी एरे को डिफाइन करूंगी तो मैंने वन बाय वन करके इसी तरह से एंगल्स लेकर वैल्यूज पुट करनी है। तो मेरे पास जो एरे बनेगी वो फर्स्ट उसका पॉइंट बन रहा है एक्स का 50, और यहाँ पे मेरे पास वाई पॉइंट बन रहा है -87, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास सेकंड बनता है 87। या आपने इसी तरह से पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए वैल्यूज निकालनी है, मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है 87, 50, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वाई एक्सिस पे जीरो होती है, ठीक है, -50, देन हमारे पास -87, देन हमारे पास आ जाता है -100, उसके बाद हमारे पास वैल्यूज हो गई। इसी तरह हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स की भी वैल्यूज हैं एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास है -50, 0, 50, ठीक है, 87। वही वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अगर एक डायरेक्शन में है तो दूसरी डायरेक्शन में जाके बस साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन वैल्यूज हमारे पास वही रहेंगी, 100, 87, 50, 0, -5, -87, -100, ठीक है। ये हमारे पास दो एरेस हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है इसके थ्रू अपनी जो ऑर्स वाली है जो नीडल है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वो ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम ये करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमने ऑलरेडी ये फंक्शन देखे हुए strf टाइम, टाइम के लिए यूज होते हैं। ए में वैल्यू कॉपी होगी, 100 इसका साइज रखा हुआ हमने। क्या वैल्यू अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऑर्स की, तो हम स्पेसिफायर लिखते हैं परसेंटेज आई, ठीक है। और किसकी वैल्यू कॉपी होगी, करंट टाइम वेरिएबल की, ठीक हो गया। और इसको हमने कर दिया टर्मिनेट। उसके बाद हमने एस कैन एफ, जैसे कि सी लैंग्वेज में ये यूज होता है, वैल्यू लेकर इसको ये कॉपी कर देगा ए में। और किसकी वैल्यू हमारे पास इंटीजर फॉर्म में वैल्यू है, परसेंटेज डी, इसके लिए यूज होता है, ठीक है। और कहाँ से वैल्यू आ रही है, हमारे पास हमने एड्रेस दे दिया IMS का, जो कि हमने आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स की इंफॉर्मेशन के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ठीक है। उसके बाद हमने कर देना है सेट कलर का फंक्शन यूज करते हुए, कोई भी कलर आप सेट कर दें। मैंने फॉर एग्जांपल येलो कर दिया, या आप रेड भी कर सकते हैं, कोई भी आप कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने लाइन ड्रॉ करनी है। सिर्फ लाइन किसके लिए ड्रॉ करनी है, हमने नीडल के लिए ड्रॉ करनी है। पहला हमारे पास पॉइंट होगा मिड एक्स से स्टार्ट होगा, मिड वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए, और कहाँ तक जानी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू मिड एक्स प्लस कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो हमने ऊपर एरेस ली हुई है उसके थ्रू हम क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, ठीक है। ऊपर हमने जो भी नाम रखा हुआ था एरे का वो हम देख लेते हैं, हमने क्या नाम रखा था, हमने रखा है नाम अभी जो हमने एरे ली है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो हमने ऑर्स के लिए लिए इसको कॉपी किया, और वो आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। और एक्स हो गया, और हमने साथ ये एरे ली है, तो हम यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स इसका क्या होगा, जो भी IMS के पास इंफॉर्मेशन है, -1, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट लेना है, वो हमारे पास हो जाएगा मिड ऑफ वाई, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं हम अपना कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा वाई, और हमने उसी तरह से इंडेक्स वैल्यू क्या ले लेनी है, IMS -1, ठीक है। ये हमारे पास एरे है इसलिए। अच्छा, अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह से आ रही है।
ये देखिए हमारे पास आउटपुट इस तरह से आ रही है, ये हमारे पास ORs के लिए हो गई है, तो इतनी हमारे पास ये लाइन ड्रॉ होकर आ गई है, ठीक है। सेंटर से स्टार्ट हो रही है और ये हमारे पास 7 को पॉइंट कर रही है। ये उस टाइम पे हम देखेंगे जिस टाइम पे हम इसको आइट्रेट करवा के, जो हमारे पास जिस तरह से क्लॉक की नीडल्स मूव कर रही होती है, उस टाइम पे देखेंगे कि ये मूव कर रही है या नहीं कर रही, हो ये कहाँ पे आ रही है डिस्प्ले होके, ठीक है। अब ये 7 को पॉइंट कर रही है। अब हमने ये करना है कि हमने मिनट्स और सेकंड्स की नीडल को भी ड्रॉ करना होगा, उसके लिए भी हमें एरेस चाहिए होंगी। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो क्लॉक होती है उसमें हमारे पास, अगर हम बात करते हैं 1 आवर की, तो 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। सेम गोज फॉर सेकेंड्स, कि अगर हम बात करते हैं 1 मिनट की, तो उसमें भी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें 2 एरेस चाहिए होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 1 मिनट की, तो इसका मतलब है इसमें 60 सेकेंड्स होंगे, तो हमें 2 एरेस उसी तरह से लेनी पड़ेंगी जिस तरह से हमने ORs के लिए ली थी, एक्स और वाई। इसके लिए हम एरेस डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनट्स सेकेंड्स, और एक हमारे पास हो जाएगी एक्स, और इसका साइज हम रखेंगे 60। दैट मीन्स के इसमें हम 60 वैल्यूज इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। और फाइंड आउट कैसे करनी है वो वैल्यूज, वो नंबर्स, वो उसी तरह से फाइंड आउट करने हैं जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो हमने ORs के लिए किया था, ठीक है। सेकेंड्स बाय, और ये भी हमारे पास हो जाएगा 65, और इसको भी हमने 60 वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास 0 से लेकर 1 तक 1 सेकेंड की अगर हम बात करें, अब ये देखिए हमारे पास क्लॉक इस फॉर्म में है, तो ये हमारे पास 90 का एंगल होता है, ठीक है। अगर हम इससे राइट साइड की तरफ मूव करते जाएं, तो एंगल्स किस तरह से होंगे, 89, 88, 87, अप टू सो ऑन, ठीक है। और अगर मैं इसका मिड पार्ट निकालती हूँ, तो वो मुझे पता है कि 45 का एंगल होगा, ठीक है। अगर मैं किसी एक पॉइंट पे जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, वो बन रहा है एंगल 84, ठीक है। एंगल 84 बन रहा है, और ये मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पे हमें पता है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 0 होगी, और वाई की हमारे पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग आ रही होगी, जितना हमने यहाँ पे जो रेडियस लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हमारे पास ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 84 एंगल पे इस लाइन की लेंथ बन रही है 70, मीन्स हमने नीडल की लेंथ रखनी है अगर 70, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमने अगर वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे भी, ये भी, ये हमारे पास अब 90 का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये वाली साइड की वैल्यू निकालनी है, ये वाली साइड की निकालनी है, जबकि एक हमने कहा कि 70 है और दूसरा हमने एंगल बता दिया कि 84 है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं, वो किस तरह से आते हैं कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है 18, और दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास आती है 169, ठीक है।